चलो सुनो, तो ये मेरे पास आ गया था 10/4 आ गया था मेरे पास, तो वैल्यू आ गई 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो 10 थीटा की वैल्यू आ गई 5/2, तो थीटा क्या आ गया मेरे पास 10 इनवर्स 5/2। ठीक है बच्चा, तो मैंने ये सिखा दिया आपको दूसरा फॉर्म यूज करना, ठीक है जी। कितने लोगों को इक्वेशन समझ में आ गया है? कोई डाउट है बच्चा इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ये आप खुद करोगे बच्चा, ठीक है जी। मैंने दो क्वेश्चन करा दिए आपको, अब तीसरा फॉर्मेट आप खुद ट्राई करना, ठीक है जी। मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करो अभी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी दे रखी है इस बार, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी गिवन है, इज गिवन एज 3x - 2x². ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, और आपसे वो पूछ रहा है, तीन चार चीजें पूछ रहा है। पहली चीज पूछ रहा है आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरी चीज पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम हाइट, तीसरी चीज वो आपसे पूछ रहा है रेंज, ठीक है। चौथी चीज आपसे वो पूछ रहा है बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इक्वेशन दे रखी है आपको और आपसे ये चार चीजें पूछ रहा है। मैं आपको हिंट देता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी को कंपेयर करो इससे, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी को कंपेयर करो इससे, और थीटा निकालने की कोशिश करो, हाइट निकालने की कोशिश करो, रेंज निकालने की कोशिश करो और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से करो। गुड, अंश जी गुड, शाबाश, मुस्कान जी गुड। होमवर्क शेयर कर रखा है मैंने बच्चा सबको। गुड बच्चा हरमन, यार कपिल सर को मैंने शेयर किया था होमवर्क, ठीक है, उन्होंने सबको शेयर किया, अंकुश जी। चलो नहीं है तो मुझे पिंग कर देना, मैं आपको भेज दूंगा होमवर्क, ठीक है। कोई बात नहीं अंकुश जी, भेज दूंगा मैं आपको। ओके कर दूंगा बच्चा। कोई बात नहीं यार, मैंने कपिल सर को शेयर किया था कि सर सबको शेयर कर देना, उन्होंने किया तो होगा, कुछ लोगों के पास तो है, कुछ है तो नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा करने के लिए, आज शेयर कर दूंगा मैं, 2-3 दिन का टाइम दे दूंगा करने के लिए।
हाँ जी हरीश जी, सही आंसर आपका। बाकी लोग कहाँ भाई, तीन चार बच्चों ने जवाब दिया खाली। या मेरा वेट ही कर रहे हो, सर कराएंगे तब करेंगे। कोई बात नहीं बच्चा, चलो मैं कराता हूँ बच्चा। विशाल जी सुनो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी थी आपको, ठीक है? उसको उससे आपको निकालना है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को बोला गया। कंपेयर कर लो इस इक्वेशन को किससे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? बच्चा आपको दिक्कत होगी, ठीक है? आप रीजॉइन कर लो। चलो मैं कराता हूँ सवाल, बहुत टाइम हो गया, ठीक है? जिनका हो गया बढ़िया है, सबने मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू बताई है, बाकी किसी ने बताया नहीं मेरे को, ठीक है? मैं करा जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम में नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? इक्वेशन जो थी मेरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सबको याद है इक्वेशन ये? अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, इस वाली से। तो यहां पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, रूट थ्री है, क्या है, रूट थ्री। और यहां पे इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट है टेन थीटा, तो दोनों बराबर होने चाहिए, यानी टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू रूट थ्री। तो मुझे पता है थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 जो होता है बच्चा वो क्या होता है, रूट थ्री होता है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा सबको? मैं कंपेयर कर रहा हूं किसको, इक्वेशन जो गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो मैंने एक्स का कॉफिशियंट कंपेयर किया है दोनों इक्वेशन में, ठीक है बच्चा? आ गए समझ हमको? अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं हम लोग। क्या आवाज जोश जी रहा है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सब लोग सो रहे हो, जवान लड़के हो यार, लड़कियां सब तुम लोग, ठीक है? थोड़ा जोश कर काम किया करो। चलो अब सुनो, सेकंड टर्म देखो, सेकंड इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहां पे क्या है मेरे पास, माइनस टू है, मानते हो? और यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मानते हो? तो इसका मतलब क्या है, जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे टू लिखा हुआ है, नेगेटिव दोनों में, यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, तो g बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू टू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है बच्चा? अब मुझे क्या करना है, इससे u निकालना है, क्योंकि बिना u निकाले मैं काम नहीं कर सकता। तो g की वैल्यू क्या होती है, 10, तो g को मैंने 10 पुट कर दिया, 2 टाइम्स u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो 60 है, और हम जानते हैं कॉस 60 क्या होता है बच्चा, हाफ होता है, और मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इज इक्वल टू 2 गिवन है मेरे पास। क्या मैं इससे यू स्क्वायर निकाल सकता हूं? हाँ ना बोलो। इस 2 ने इसको 2 से काट दिया, ये 2 ऊपर जाएगा, 20/u² इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, 20/u² इज इक्वल टू 2 आ गया ना, तो ये 2 ऊपर ले गया, तो 2u² इज इक्वल टू 20 आ गया, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10 आ गई। बात समझ में आ गई? तो u आ जाएगा मेरे पास √10। ठीक है बच्चा, u क्या आ गया, √10 आ गया। कितने लोगों की बात समझ में आ गई u कैसे निकाला? चलो ठीक है, चारू जी आ गई, शुभदीप बोल रहे, रिपीट कर दूं। ओके जी, चलो सुनो मैंने किया क्या है बच्चा, सुनो शुभदीप, ऐसे मैंने क्या किया है कि x स्क्वायर का कोफिशियंट देखा, x स्क्वायर का कोफिशियंट देखा, यहां पे क्या था, 2 था मेरे पास, एक्चुअली -2 था, और यहां पे क्या था, -g/2u² cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों इक्वेशन सेम है मेरे पास, तो दोनों के x स्क्वायर सेम होने चाहिए, तो मैंने इसका x स्क्वायर का कोफिशियंट 2 लिख लिया, यहां पे इसका कोफिशियंट क्या था, g/2u² cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है थीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो क्या है 60 डिग्री है, और cos 60 क्या होता है, हाफ होता है मेरे पास, तो cos 60 हाफ है, तो cos स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 1/4 होगा, तो इस 1/4 को मैंने 2 से काटा, तो ये 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, तो 20/u² क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2u² = 20, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 10 आ गई, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा, डाउट था आपका क्लियर हो गया बच्चा? ओके, अब सुनो, u पता है मेरे को, थीटा पता है, तो सारा चीज पता लग जाएगी। मान लो मुझसे पूछा गया टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin θ/g। अब मुझे u पता है, थीटा पता है, u तो क्या है, √10 sin 60, थीटा की वैल्यू 60 है ना मेरे पास, बाय जी, तो क्या टाइम ऑफ लाइट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना भाई, साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2, हाँ जी हरीश जी, आप खड़ा किया, क्या होगा प्रॉब्लम है कुछ, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया बच्चा सबका, कोई डाउट तो नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट में, ओके। अब मुझे बताओ क्या पूछा है आपसे, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है और पूछा है वर्टिकल हाइट पूछी है आपसे, फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g, यू स्क्वायर की वैल्यू 10 दे रखी है, साइन 2 थीटा यानी साइन 120 डिग्री बाय जी। अब साइन 120 क्या होता है, याद करो मैंने बताया था साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या है, साइन 120 को लिख लूं मैं 180 माइनस 60 यानी साइन 60 बन जाएगा, तो साइन 60 वैल्यू हम जानते हैं √3/2 और जी की वैल्यू 10 है, तो बात बन जाएगी बच्चा, इससे क्या निकल जाएगा मेरे पास, हाँ जी आया, वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, 10 ने 10 को मार देना, वैल्यू आ जाएगी √3/2, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया मेरे पास। अब मुझसे क्या पूछी है इन्होंने, हाइट पूछी है, हाइट पूछी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² थीटा, u square
साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, यू स्क्वायर की वैल्यू 10 है, साइन 60 का रूट 3 बाय टू यानी रूट 3 बाय टू का होल स्क्वायर कर दूं, बाय 2 इंटू 10 कर दूं, तो 10 ने 10 को मार दिया तो 3 बाय 4 इंटू 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 बाय 8 आ जाएगी। बात समझ में आई बच्चा? चलो यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को? तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ सवाल तो मैंने करा दिए, कुछ और सवाल हैं जो मैं आपको कल अच्छे वाले, एक बात बताऊं अच्छे लेवल के सवाल कराऊं, टफ वाले, डरोगे तो नहीं? अभी मैंने बेसिक कराए आपसे, ठीक है? अगर जिसकी इच्छा हो टफ सवाल करने हो कि हाँ मजा ही आ जाए यार, ठीक है, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है? पर वो जेई लेवल के होंगे, नीट वालों के नहीं होंगे, बता रहा हूं मैं, ठीक है? मैं एक ट्राइंगल से प्रोजेक्ट करूंगा, ट्राइंगल टच करते हुए निकलेगा, ट्राइंगल पूरा कवर करना होगा, ऐसे टफ टफ सवाल तुम्हें कराना चाहता हूं मैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो करा दूंगा। ओहो अंकुश जी कह रहे हैं डर किसे कहते हैं सर, अच्छा नीट के लिए भी कराऊंगा बच्चा, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें एक बुक प्रिस्क्राइब कर दूंगा नीट के लिए, वो ट्राई करते रहना, या फिर मैं पहले एलएन करने हैं बुक से भी कर लोगे। चलो पहले एलएन कर लेना फिर बाद में तुम्हें करा दूंगा, ठीक है? चलो आज इतना ही पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है? कल ऑफ रहेगा बच्चा, ठीक है? कल संडे है, मंडे को मिलते हैं हम लोग, ठीक है? तो मंडे को मैं अच्छे सवाल लेके आऊंगा, कुछ सवाल मैं नीट के लिए आऊंगा, मतलब 5-10 सवाल मैं नीट के दे दूंगा और 5-10 सवाल जेई के लिए कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चा, ओके बाय बाय।